सो ये व्हाट्स अप गाइस, दिस इज अंकित। कैसे हैं आप? सर्दियों में मॉइस्चराइजर्स, कोल्ड क्रीम, लिप बाम, इन चीज़ों की सेल तो ऑलरेडी बढ़ जाती है। तो कई लोगों ने मुझे कहा इंस्टाग्राम पे कि सर आप किसी मॉइस्चराइजर या कोल्ड क्रीम इन चीज़ों का रिव्यू क्यों नहीं दे रहे हो। अभी हाल ही में मैंने वैसलिन का रिव्यू दिया है, अगर आप यूज़ करते हो या यूज़ करना चाहते हो तो आप उसको जाके देखो। तो मैं बहुत फेमस चीज़ें पिक कर रहा हूँ जो कई सालों से यूज़ होती आई हैं, बहुत फेमस ब्रांड पिक कर रहा हूँ जो कई सालों से पॉपुलर है। तो आज जो ब्रांड मैंने पिक किया है गाइस, वो है पॉन्ड्स की कोल्ड क्रीम। मुझे जितना पता है और जितना मुझे याद है, बहुत छोटा था तब से मैं इसको देखता आया हूँ। मेरी मम्मी यूज़ करती थी, मैं भी यूज़ करता था। तो टाइम के साथ जैसे जैसे पढ़ाई की, उम्र बढ़ी, नॉलेज बढ़ा, वैसे वैसे पता चलता गया कि क्या चीज़ें हमें लेनी चाहिए और क्या चीज़ें नहीं। तो मेरा भाई, एक चीज़ मैं क्लियर करना चाहता हूँ आपको कि मैं भी एक कंज्यूमर हूँ। मेरे वीडियो बनाने का पर्पज़ यही होता है कि आप जब मेरे वीडियो पर आओ तो वो प्रोडक्ट आपको लेना है या नहीं लेना है ये डिसाइड करने में आसानी हो, क्योंकि मैं भी चाहता हूँ कि मुझे अच्छा प्रोडक्ट मिले और मेरी फैमिली को भी मैं अच्छा प्रोडक्ट ही दूँ, तो आपको क्यों नहीं। तो आज का प्रोडक्ट है गाइज़ ये छोटी सी डिब्बी, ये 5 रुपए की पॉन्ड्स की कोल्ड क्रीम। मैं इससे ज़्यादा पैसे इसके ऊपर खर्च नहीं करना चाहता था, क्योंकि मैं इसे नहीं यूज़ करता हूँ, ना ही मैं इसे यूज़ करूँगा। क्यों, वो इस वीडियो में देख के आपको पता चल जाएगा। तो इस कोल्ड क्रीम को आप लोग लिप्स पर भी लगाते हो, फेस पर भी लगाते हो और बॉडी पे भी लगाते हो, तो क्या ये यूज़ करनी चाहिए आपके लिप्स पर, आपके फेस पर, आपके बॉडी पर? तो मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस, जब मैं इसको यूज़ करता था मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं थी, क्योंकि जब मैं इसे अपने फेस पर लगाता था मेरा फेस कुछ देर बाद बहुत ज़्यादा ऑयली दिखता था। इसका एक रीज़न ये भी हो सकता है कि मेरी स्किन थोड़ी सी ऑयली भी है, बट विंटर में भी मैं इसको जब लगाता था तो भी मुझे ऑयली ही स्किन मिलती थी। तो ये ऑयली स्किन वालों के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी। और इसके इंग्रेडिएंट्स की बात करूं तो इसके अंदर काफ़ी अच्छे इंग्रेडिएंट हैं, बट उन इंग्रेडिएंट के साथ साथ मिनरल ऑयल जैसे कई टॉक्सिक केमिकल्स भी हैं जो कि इसकी शेल्फ लाइफ को लंबा करने के लिए और इसमें जो इंग्रेडिएंट पड़े हैं उनमें थिकनेस बढ़ाने के लिए और टेम्परेरी इफ़ेक्ट्स दिखाने के लिए भी यूज़ किए गए हैं। तो मेरे भाई, समझदार बनो, इन प्रोडक्ट के एड्स को टीवी पर मत देखो, इनके प्रोडक्ट को सामने से मत देखो जो ये बताते हैं, इन्हें पीछे से देखो। इनमें जो इंग्रेडिएंट लिखे हैं बस आप कुछ मत करो, सिर्फ उनके बारे में गूगल करो। आपको आगे से, मैं सच बता रहा हूँ, मेरे वीडियोस को भी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मतलब कि इस तरह के वीडियोस को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप जब इंग्रेडिएंट के बारे में जान जाओगे तो आप उस इंग्रेडिएंट को प्रोडक्ट के पीछे देखना शुरू करोगे, और अगर वो इंग्रेडिएंट आपको दिख गया तो आप वो प्रोडक्ट को लोगे ही नहीं। सो गाइस, ये एक छोटी सी वीडियो थी इस प्रोडक्ट के बारे में। मैं इस प्रोडक्ट की रिव्यू नहीं दे रहा हूँ, मैं बस ये बता रहा हूँ कि इस प्रोडक्ट के अंदर क्या मिला है और जो इसके अंदर मिला है वो आपके लिए सही है या नहीं, ये मैंने आपको बता दिया। और अगर आपको और डिटेल में जानना है तो इसके एक एक इंग्रेडिएंट को जो मैंने मेंशन किया है, दिखाया है, उसे आप गूगल करके देखो, आपको समझ में आएगा कि मैं क्यों इन चीज़ों को प्रमोट नहीं करता। अगर मुझे कभी कोई अच्छे प्रोडक्ट मिलेंगे तो मैं उन पर वीडियो ज़रूर बनाऊँगा, बट मैं अभी के लिए सिर्फ फेमस उन फेमस प्रोडक्ट को उठा रहा हूँ जो बहुत लंबे समय से यूज़ किए जा रहे हैं और हमारा कट रहा है। तो गाइस, आई होप यू लाइक द वीडियो। इफ़ यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ गिव मी अ लाइक, शेयर दिस वीडियो, उसके साथ ज़रूर शेयर कीजिए जिसको इस वीडियो की बहुत ज़रूरत हो। और अगर इस प्रोडक्ट को लेकर कोई भी डाउट हो तो मेक श्योर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर आएँ, मेरे इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो करके अपने डाउट मुझे वहाँ पर भेजें, मैं आपको रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूँगा। जय हिंद।